हेलो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे ये जीरे वाले आलू। ये सिर्फ दो चीज़ों से बनते हैं, आलू और टमाटर। ये आधा किलो आलू हैं और तीन बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इसमें ना प्याज डलेगा ना अदरक लहसुन। अब हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने कढ़ाई धो के रख के इसमें हम आलू और टमाटर डालेंगे। सारी चीजें एक साथ डाल के अब हम मसाले डालेंगे। एक टीस्पून भर के जीरे का, एक टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, एक टी स्पून भर के रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। हाफ कप ऑयल, एक ग्लास पानी, थोड़ा सा विनेगर। कढ़ाई में हमने सब कुछ डाल दिया, टमाटर, आलू, विनेगर और मसाले सारे डाल के इसको कवर करके हम चूल्हे पे रख देंगे और फिर हम थोड़ी देर बाद इसको चेक करेंगे। हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, अब हम इसको कवर करेंगे, फिर हम इसको 5 मिनट बाद देखेंगे। चार से 5 मिनट हो गए, हम आलू चेक करके उनको मिक्स करते हैं। पहले हमने मिक्स नहीं थे कि ऐसे ही कवर करते हैं, उनको चढ़ा दिया। अभी आलू नहीं गले, अभी हम उनको 10 मिनट तक और कवर करके पकाएंगे। बिल्कुल स्लो सी आंच पे बनाना है इनको। ताकि आलू गल जाए। हमारे आलू पकते हुए 10 मिनट हो गए, अब हम इसे देखते हैं। एक चम्मच या फोर्क के साथ हम चेक करेंगे आलू गले हैं। आलू गल गए हैं, पानी भी खुश्क हो गया, हल्की सी ये ग्रेवी बड़ी मजे की लग रही है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाते हैं, हल्के आपके सामने निकालते हैं। ये सिंपल से आलू हैं, आलू की रेसिपी है। ये उन लेडीज़ के लिए जो ऑफिस जाती हैं या कहीं जॉब करती हैं। हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम अपनी वीडियो और कैसे बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा आपको खुश रखे।